सब्सक्राइब करें शेखावत टेक्निकल को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारा जो वीडियो नए बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द। दोस्तों, अपडेट्स के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि अपडेट्स किस तरह से आपको मोबाइल में मिलते हैं, किस तरह से आपके मोबाइल में अपडेट आते हैं, वीकली या फिर डेली या फिर सॉरी वीकली या फिर मंथली अपडेट या फिर कुछ 3 महीने के अपडेट्स आ जाते हैं, कुछ 3 महीने के बाद आते हैं, तो अपडेट क्या होते हैं, इसे अपडेट करना जरूरी क्यों होता है, या फिर अपडेट कैसे आते हैं, या फिर किस तरह से आपको अपडेट मिलते हैं, या अपडेट करने से कुछ खराबी या फिर कुछ बुराई नहीं है, ये बहुत से बहुत बार पूछा गया है। तो आज हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह शेखावत, आप देख रहे हैं शेखावत टेक्निकल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपडेट्स का मिलने के कारण है आपके मोबाइल की थोड़ी इंप्रूवमेंट के कारण मिलते हैं आपको। अगर आपके मोबाइल में कुछ नया वर्जन आने वाला है या फिर नए फीचर्स के लिए आपको अपडेट्स दिए जाते हैं, क्या ताकि आपको अच्छे अच्छे फीचर्स मिल सके, इसमें अच्छे अच्छे कुछ नए इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकते, नए नए अच्छे आइकन या फिर अच्छे फीचर या फिर थीम्स चेंज कर दी जाती है, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे कुछ थीम्स मिल जाती है या फिर कुछ आइकन्स में या फिर जो स्क्रॉल बार होती है उसमें कुछ चेंजेस मिल जाते हैं आपको, या फिर कुछ नए फीचर्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे कि आपको उसमें आपको थीम में बिल्कुल मोबाइल अलग सा लगने लग लगता है और आपके मोबाइल में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है और थोड़े बग्स भी फिक्स किए जाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, उसमें बग्स की बात करते हैं हम। बग्स क्या होते हैं दोस्तों? आपके मोबाइल में जो वायरस या फिर स्टोरेज की कमी हो जाती है या फिर आगे जो इंटरनल स्टोरेज होती है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है या फिर कुछ कमी के कारण आपको मोबाइल स्लो हो जाता है, तो वो बग्स को फिक्स करता है, वो स्टोरेज जो फालतू होती है उनको डिलीट करता है और आपके मोबाइल में थोड़ी जो स्टोरेज है वो इम्प्रूव करता है, जिससे आपको मोबाइल में अच्छी स्टोरेज मिल जाती है और आपको मोबाइल हैंग होने से थोड़ा हैंग होने कम लग जाता है या फिर आपके मोबाइल थोड़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है, आपका मोबाइल थोड़ा स्मूथ चलने लग जाता है। बस यही होता है बग्स का फिक्स होना। आपने कई बार अपडेट में देखा होगा बग्स फिक्स का अपडेट भी आता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं अपडेट करना जरूरी क्यों होता है, हमारे मोबाइल का अपडेट ना करें तो उसकी क्या हानियाँ हैं, या फिर अपडेट कर ले तो उसकी क्या हानियाँ हैं, या फिर लाभ क्या है उनके, तो उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अपडेट आता है, अगर आप उसको अपडेट ना करेंगे, जैसे कोई अपडेट आया आपके बग्स फिक्स का, उसको अपडेट ना करेंगे तो वही आपको जैसे मैंने बताया आपके जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो फुल हो जाती है और फिर आपके जो मोबाइल है उसमें हैंगिंग प्रॉब्लम आने लग जाती है। अगर आपको इसीलिए आपको अपडेट करना, इसलिए बार बार आपको नोटिफिकेशन भी दिया आता है कि अपडेट कीजिए मोबाइल को, अपडेट कीजिए, लेकिन कुछ कारण जैसे आप कुछ नहीं कर कुछ अपडेट करते नहीं है, कुछ अपडेट कर लेते हैं तो उसको इंस्टॉल नहीं करते, बस यही कारण हो जाता है। दोस्तों, इसको अपडेट कर लेना चाहिए हमें, इसका अपडेट अच्छी तरह से आ जाता है और मेरे हिसाब से तो बेटर रहता है आपका अपडेट करना। अगर आप अपडेट कर लेते तो आपको मोबाइल जो इम्प्रूवमेंट होती है वो अच्छी तरह से मिल जाती है और आपको मोबाइल जो बग्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं मुझके कि इसके मुझे मतलब सॉरी इस अपडेट्स को जो अपडेट कर लेते हैं उससे हानियाँ क्या होती है? दोस्तों, हानियाँ कुछ ऐसे होती है, जैसे अभी Redmi Note 4 चल रहा है कि हमारा मोबाइल जो अभी नया अपडेट आया 8.2.4 ये अपडेट आया है, तो उसमें अभी मोबाइल 70% से ऊपर चार्ज नहीं हो रहा है, तो कुछ अपडेट्स आ जाते हैं उसकी वजह, लेकिन उनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अपडेट मतलब वो आपके मोबाइल के अंदर सपोर्ट होता है इसलिए तो आपको अपडेट भेजे जाते हैं, कंपनी के अलॉट किए जाते हैं कि अपडेट इस मोबाइल में जाना चाहिए, तभी तो आपके मोबाइल में वो जो सर्वर्स के द्वारा आपके मोबाइल में जो भेजा जाता है वो अपडेट, तो इसलिए तो आपको अपडेट मिलते हैं वो। तो उसमें इसको अपडेट कर लेना चाहिए, उसमें कुछ हानि नहीं होती है। कुछ अपडेट्स होते हैं जिसमें कुछ बग्स फिक्स नहीं होते, कुछ जो आजकल जो पहले जैसे मोबाइल कुछ वो बोलते हैं कि हमारे मोबाइल में अपडेट नहीं आ रहे हैं, तो उसको वो कुछ कारण होते हैं, उस कंपनी ने वो मोबाइल बनाना बंद कर दिया है, फिर उस तरह कुछ अपडेट मिल ही नहीं रहे हैं, उसमें कुछ अपडेट दिए ही नहीं जाएंगे, वो मोबाइल सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो आपको अपडेट कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों, कुछ ऐसे कारण होते नहीं है, अगर मोबाइल कंपनी बंद कर दे कि वो मोबाइल बना ही नहीं रही है तो उसका अपडेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। वो कुछ मोबाइल होते हैं इसके अपडेट अगर बंद होने के बाद भी चालू रहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं इसलिए ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो बस यही था दोस्तों कि आप अपडेट क्यों होते हैं, अपडेट करने से आपको मोबाइल में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है, आपको मोबाइल स्मूथ चलने लग जाता है, जो बग्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे बताया मैंने 2-3 टॉपिक बताए आपको, उसी तरह से आपके बग्स फिक्स हो जाते हैं। और अपडेट का सबसे महत्व कारण होता है आपके मोबाइल में इंप्रूवमेंट, अगर इंप्रूवमेंट अच्छी होगी तो आपका मोबाइल अच्छा होगा, अगर इंप्रूवमेंट ही खराब होगी तो आपका मोबाइल भी इंप्रूव नहीं करेगा, इतना जो ग्रो है वो नहीं कर पाएगा आपका मोबाइल, और आपका मोबाइल जो
जो स्टोरेज होती है वो भी फुल हो जाएगी और आपको मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम हो जाती है। एक ऐप को खोलने में करीब 30 से 40 सेकंड लगेंगे और आप उसको अपडेट कर लेते हैं तो करीब 2 से 3 सेकंड के करीब लगते हैं। अगर ये टाइम का मैनेजमेंट होता है, यही अपडेट का काम होता है कि टाइम का मैनेजमेंट को कम करना होता है। टाइम का अगर आपको जितना टाइम कम लगेगा उतना ही आपके मैनेजमेंट का आगे फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें, अगर वीडियो को पसंद नहीं आए तो डिसलाइक बटन में क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन आ रहा है उस पर क्लिक करें। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन नहीं आ रहा तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर जरूर से क्लिक करें और साइड में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे अपडेट्स को नोटिफिकेशन होते सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।